पलटने में कभी भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए जो अपना टैलेंट है उसे कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। आप सभी जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक प्यार का नगमा है यह गाना गाने वाली महिला का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिनका नाम है रानू मंडल, और ये भीख मांगती थी रेलवे स्टेशन पर और गाना गाकर अपना गुजारा करती थी। लोग यह देखकर हैरान रह जाते थे कि रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाली महिला की आवाज इतनी सुरीली कैसे हो सकती है, वह भी एक फटे हालत में। लेकिन उसके बाद किसी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड के बाद वह वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया गया और इंटरनेट पर यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने से लोग उनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं और उन्हें लता मंगेशकर का दूसरा पार्ट बोला जा रहा है। इसके चलते उन्हें हिमेश रेशमिया ने चांस दिया है सॉन्ग तेरे मेरी कहानी में और यह गाना रिकॉर्ड कर लिया गया है। यह गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है और अब यह भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। यह हिमेश रेशमिया के एक गाने में चांस देने की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और आज वह स्टार सेलिब्रिटी के नाम से जानी जा रही है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।